मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो जैसा नाम है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, द सिस्टम विच इन्वॉल्व टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज कंसीडर एज अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, राइट। द ओवरव्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, वेदर एक्टिविटीज, ऑपरेशन, सर्विसेज, विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनपुट इनटू अ प्रोडक्ट दैट इज कंसीडर इन अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, राइट। नाउ प्रोडक्शन इज व्हाट बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अ कन्वर्जन फंक्शन बाय विच फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, राइट। अ टिपिकल प्रोडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ थ्री मेन कंपोनेंट। वन इज अ इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और यू कैन से इट वर्क इन प्रोग्रेस एंड आउटपुट, राइट। वॉट आर द कॉम्पोनेंट्स विच आर कंसिडर्ड इन टू थ्री ऑफ द एलिमेंट्स? इन इनपुट यू कैन कंसिडर मैन, मटेरियल्स, मशीन, इंस्ट्रक्शंस, ड्रॉइंग एंड द लाइक मैनुअल वर्क, पेपर वर्क एंड अदर इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन बाय मैनेजमेंट, राइट। नाउ इन अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑपरेशनल मैकेनाइज्ड वे और अ केमिकल वे थ्रू विच द कन्वर्जन प्रोसेस गोइंग ऑन, राइट, एंड द एक्टिविटीज विच असिस्ट द कन्वर्जन प्रोसेस, राइट। नाउ इन अ आउटपुट, आउटपुट में जो हम होगा वो देखेंगे जो आपका फिनिश्ड पार्ट है, वो गुड्स या सर्विसेज, राइट, जिसमें गुड्स इज अ फिजिकल मोड एंड सर्विसेज आर अ नॉन फिजिकल मोड। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज विच एम्प्लॉय टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, राइट। अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैन बी से इन अनदर वे दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ अ सब सिस्टम विच परफॉर्मिंग ऑन अ डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑन अ ईच सब सिस्टम। डिफरेंट सब सिस्टम में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हुए होते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पूरा करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट इन दिस इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या प्रोडक्शन सिस्टम बेसिकली इट इज ऑफ अ टू टाइप, और होल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कंसीडर करना है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता क्या है एंड द टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, राइट। प्रोडक्शन सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू टू वे, वन इज अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड अ सर्विस सिस्टम। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस on a production it is further classified into continuous and intermittent, right. Intermittent production is further classified in a batch or a job production, and a continuous production is further classified into mass or a processing production, right. Now just start with a continuous production, manufacturing production maine aapko bata diya. Continuous production kya hota hai? It is a system in where the items are produced for the stocks and not for a specific order. जो continuous production है उसमें as the name suggested here, the production are in a continuous way. It means the order are not specific. Customer oriented नहीं है, ये procedure चला जा रहा है, continuously way में चला जा रहा है. So in this system the inputs are standardized. And standard set of process, sequence of process can be adopted. जो आपको पता है कि ये standard input लेना है to manufacture this kind of a product, you have to just pick that standardized input, and एक set procedure है उसमें आपने उसको एक बार को involve किया, और उस sequence of process को adopt करने के बाद final finished product बन गया, but it is a continuous process.
ब्रेकेज नहीं है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है दैट इज अ स्टैंडर्डाइज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है, कस्टमर बेस्ड नहीं है और आपका ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, राइट। नाउ व्हाट इज द फीचर ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन? कंटिन्यूटी इन डिमांड। वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए डिमांड मार्केट में अवेलेबल है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट जो है आपका स्टैंडर्डाइज है, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी टू गेट दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, कोई आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चेंजेस अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते हो, जैसा मार्केट में मिल रहा है वैसा ही हमें पिक करना है, राइट। अप्रोप्रिएट प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो आपका प्लांट है वो वैसा ही डिजाइन किया गया है, स्पेसिफिक मटेरियल होता है उसके लिए, एंड इट इज अ बैलेंस प्रोसेस, नॉट सो मच सुपरविजन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, राइट। नाउ व्हाट इज मास प्रोडक्शन, जो कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन का ही पार्ट है। मास प्रोडक्शन क्या है? मास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर ऑफ द डिस्क्रीट पार्ट्स और असेंबलिंग यूजिंग अ कंटिन्यूस प्रोसेस आर कॉल्ड मास प्रोडक्शन। मास इज अ नेम सजेस्टेड हियर, इट इज अ मास। मास का मतलब जहां पे ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है। ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी कहाँ पे होगी? जहां पे आपका स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगा, वॉल्यूम ज्यादा होंगे और आपको जहां पे मशीन जो है लाइन लेआउट ले रहा है। लाइन लेआउट मैंने आपको पहले भी बताया, लाइन लेआउट क्या होता है? जहां पे मशीनरी आपका इन अ सीक्वेंस मोड में होता है, लाइन से डिजाइन होता है, क्योंकि इनपुट आपने फर्स्ट मशीन में डाला और फिनिश गुड आपके लास्ट मशीन से बन के आ गया, दैट इज अ प्रोडक्ट लेआउट और अ लाइन लेआउट। जहां पे आपको वेरी लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम चाहिए उस प्रोडक्ट का, फाइन। प्रोडक्ट एंड अ प्रोसेस स्टैंडर्डाइज एक्सिस्ट एंड ऑल आउटपुट फॉलो द सेम पाथ, एक ही रूट फॉलो करते हैं क्योंकि आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मास प्रोडक्शन? जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। स्टैंडर्डाइज्ड है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट का, आपने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी है, जो जैसा है प्रोडक्ट, जैसा इनपुट है, उसको एज इट इज आपको करना है, देयर इज नो एज सच अ फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर दैट। वॉल्यूम इसमें ज्यादा होंगे, शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल टाइम। व्हाई शॉर्टर? बिकॉज जो रूट है वो आपका शॉर्टर है, क्योंकि मशीन इन अ सीक्वेंस अरेंज है। लो प्रोसेस इन्वेंट्री है, आपका जो प्रोसेस इन्वेंट्री है इसमें कम लग रहा है, बिकॉज मशीन का जो अरेंजमेंट है वो लाइन वाइज है, प्रोडक्ट लेआउट है, जिसकी वजह से आपने एक मशीन में इंग्रेडिएंट्स डाला और फाइनल मशीन से आपको फिनिश प्रोडक्ट मिल गया, तो जो प्रोसेस इन्वेंट्री है वो लो है और आपको स्टॉक इस बीच में कहीं रखना भी नहीं, इन्वेंट भी नहीं करना है, राइट। प्रोडक्शन लाइन आर परफेक्टली बैलेंस्ड बिकॉज सुपरविजन कम है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट को चेक करना है और उसके बीच में आपका एस्टिमेटेड और एक्चुअल का डिफरेंस देखना है। द नेक्स्ट वन इज अ फ्लो ऑफ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड अ पार्ट इज अ कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअसली आपका चलेगा प्रोसेस, इसलिए ये मास प्रोडक्शन के अंदर आता है। इजी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, राइट। दीज आर द फीचर ऑफ द मास प्रोडक्शन। Now, what is the advantage of the mass production? The first one advantage or a benefit from the mass production is a high rate of production, right? High rate of production. क्यों high rate of production है? क्योंकि standardized quantity आपको चाहिए, आपका machine arrange है in a sequence order, और अगर sequence order में आपका arrange है machine, तो आपकी quantity भी high volume मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। Now the next one is a reduced production cycle time, right? आपका जो production cycle time है वो कम लगेगा क्योंकि routing कम है, shorter time duration है to complete that finished product. Ingredient आपका first machine से last machine तक जा रहा है, as it is finished product आपको आ जा रहा है, तो production cycle time आपको कम लग रहा है। लाइन बैलेंसिंग लीड टू हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मशीन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इसमें, उतना ज्यादा इसमें होता है। दूसरी बात, इसमें जो स्किल पर्सन है वो अनस्किल ऑपरेटर की ही रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि मशीन से ऑटोमेटिकली आपका काम फिनिश प्रोडक्ट आपको मिल जा रहा है। लोअर प्रोसेस इन्वेंट्री, प्रोसेस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में आपको लोअर प्रोसेस लग रहा है, सुपरविजन कम रिक्वायरमेंट है,
साथ में आपको जो कॉस्ट इफेक्टिव है ये राइट लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट है, आपका पर यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है वो कम आ रहा है। रीजन इसका ये है कि आप वॉल्यूम जो है प्रोडक्शन का वो हाई है, तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो आपका कम आ रहा है, राइट। दिस इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ द मास प्रोडक्शन। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द मास प्रोडक्शन? पहला ये ब्रेक डाउन ऑफ अ वन मिसिंग विल स्टॉप एन एंटायर प्रोडक्शन लाइन। अगर क्योंकि आप मास प्रोडक्शन कहाँ पे कर सकते हैं, किस टाइप के अरेंजमेंट में या लेआउट में कर सकते हैं, प्रोडक्ट लेआउट में। प्रोडक्ट लेआउट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक मशीन में ब्रेकेज होता है तो होल ऑफ द टास्क विल बी अफेक्टेड बाय व्हाट, कि एक मशीन आपका कहीं बीच में ब्रेकेज हो रहा है तो आपका सिक्वेंस ऑफ मशीन जो हो गया वो आपका गलत हो गया और आप उसमें कोई काम भी नहीं ले सकते हो। डिपेंड करता है, आप उसमें काम इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर जो इंग्रेडिएंट मिक्सिंग मशीन है उसमें अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो काम आप किसी दूसरे मशीन से नहीं कर सकते हो, बिकॉज वन मशीन इज स्पेशलाइज फॉर अ वन टास्क ओनली, राइट। तो अगर ब्रेकडाउन ऑफ अ वन मशीन तो वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन आपका गलत कर देगा, राइट। दूसरा है लाइन लेआउट नीड्स मेजर चेंजेस विद द चेंज इन द प्रोडक्ट डिजाइन। अगर प्रोडक्ट डिजाइन में कोई चेंजेस आ रहा है, प्रोडक्ट का आप कुछ डिजाइन डिफरेंट करना चाह रहे हो, कुछ उसमें चेंजेस लाना चाह रहे हो, कुछ मॉड्यूलेशंस करना चाह रहे हो आप, तो उसमें लाइन लेआउट जो है वो ज्यादा चेंजेस मांगता है क्योंकि वो एक सेट पैटर्न है और वो फिक्स्ड है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। हाई इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोडक्शन फैसिलिटी, शुरू में कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट होता है टू सेटअप दैट काइंड ऑफ अ मशीन। नाउ द साइकिल टाइम इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट ऑपरेशन। जो साइकिल टाइम है प्रोडक्शन का वो स्लोएस्ट ऑपरेशन लेता है, वो उसके बाद भी उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है। सो दिस इज व्हाट द लिमिटेशंस ऑफ द मास प्रोडक्शन, राइट। तो ये जो है पार्ट है आपका बेसिकली कंटिन्यूस का है और कंटिन्यूस में देयर इज अ सेटअप ऑफ अ प्रोडक्ट लेआउट और इस वजह से ऑलमोस्ट इसका जो एडवांटेज और लिमिटेशन है दैट इज सिमिलर टू अ प्रोडक्ट लेआउट, राइट। नाउ कम टू अ प्रोसेस प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोसेस प्रोडक्शन? प्रोसेस प्रोडक्शन वहां होता है जहां पे आपका वेरी लॉन्ग पीरियड तक विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप बिहेवियर आप प्रोडक्शन करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, कोई मेडिसिन या केमिकल प्लांट्स या रिफाइनरीज की बात करें तो वहां पे प्रोसेस प्रोडक्शन होता है। अ प्रोसेस प्रोडक्शन दैट रन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड विदाउट द स्टार्ट एंड स्टॉप बिहेवियर एसोसिएटेड विद इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सच एज दोज यूज्ड इन अ केमिकल इंडस्ट्रीज एंड रिफाइनरीज, राइट। For that kind of a plant, we need to require a much capital investment. Because ये जो होता है आपका highly automated मशीन से कर सकते हैं process layout जो है या process production है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक chemical अगर आपको बनाना है या कुछ refineries आपको use करना है तो जो मशीन है वो highly automated होगी, उसमें ज्यादा आपको मैन पावर या बीच में persons की requirement नहीं है, चाहे skilled unskilled या semi skilled किसी भी person की requirement नहीं है, आपको मशीन ही highly automated चाहिए, राइट। तभी आपका प्रोसेस चल सकता है इन अ कंटिन्यूस वे। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस प्रोडक्शन? कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द मास प्रोडक्शन सिस्टम। ये मास प्रोडक्शन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो लिक्विफाइड फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है। इसमें जो मशीन है वो फुल्ली ऑटोमेटिक होए वो बेटर कंडीशन होती है क्योंकि इसमें सुपरविजन कम रिक्वायर्ड होती है। One basic raw material is transformed into several products at several stages, right? Less highly skilled worker required, more human problems foreseen, and highly standardized systems are required for that, right? This is only the part of a continuous, or continuous में mass और आपको मैंने
प्रोसेस प्रोडक्शन बता दिया. नाउ द नेक्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज व्हाट इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम. Production is performed on the basis of a start and a stop basis, such as the manufacture of made-to-order products. Intermittent होता है by on the जो ये based किया जाता है वो order पे based होता है. जैसी requirement होती है batches के form में बनता है, ये लगातार नहीं बनता है. The goods are manufactured especially to fulfill the order by customer rather than for keeping in a stock. So इसमें आपको stock का एक्सपेंस नहीं होता. रीजन क्योंकि हम इन्वेंट्री इसकी करके नहीं रखते हैं. ये डिपेंड करता है कि कस्टमर इसके लिए कितना ऑर्डर कर रहा है. तो ये एक तरीके से स्टार्ट एंड स्टॉप डिपेंड ऑन द ऑर्डर कंडीशंस कि आपका उस प्रोडक्ट के लिए कितना ऑर्डर आ रहा है. राइट, व्हाट इज द लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम. द फर्स्ट वन इज अ प्रोडक्शन इन स्मॉलर क्वांटिटी. इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो वॉल्यूम इसका ज्यादा नहीं होता, स्मॉलर क्वांटिटी में बनता है. मशीन एंड इक्विपमेंट आर अलाइंड एज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस. मशीन और जो आपका इक्विपमेंट है वो उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनता है. हाईली स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज नॉट स्टैंडर्डाइज नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ द कस्टमर है. तो आपको हाईली स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी. लार्जर इन अ प्रोसेस इन्वेंट्री, जो प्रोसेस इन्वेंट्री है वो ज्यादा है क्योंकि आप इसको स्टॉक में अकॉर्डिंगली रखते जा रहे हैं. दैट डिपेंड ऑन द कस्टमर डिमांड. राइट, और ये फ्लेक्सिबल भी है, फिक्स नहीं है. और इट इज ऑफ अ टू टाइप, वन इज अ जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन, अनदर इज अ बैच्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट इज जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन? जो जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन है इट इज कैटेगराइज बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ वन और अ फ्यू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट designed and produced as per the specification of the customer within prefixed time and a cost. Jobs of production है आपका basically एक या थोड़ा बनाया जाता है, few number of quantities, क्योंकि ये आपका standardized नहीं होता है, customer के specification demand के accordingly बनाया जाता है और उसके लिए fix कर दिया जाता है कि इतने time duration के अंदर या इतने cost में हमें दे दिया जाए. The distinguished feature of this is low volume and high variety of product. A job shop comprises of a general purpose machine arranged into a different department. ये आपका specialized है, इसीलिए आपका मशीन अरेंजमेंट क्या होएगा, not in a product layout, क्योंकि accordingly customer demand, आपकी quality के accordingly, variety of product के accordingly, different department की मशीन से आप उसको workout कराते हो. Each job demands unique technology requirements, demand processing on machine in a certain sequence. What are the characteristics of the jobs of production? जो पहला characteristics है high variety of products and low volume. जो इसमें product बनेगा वो high variety होगा, quality wise good enough and low volume होगा. आप quantify इसको ज्यादा से ज्यादा बना के नहीं रह सकते because it is not considered in a continuous process. राइट, हाईली स्किल्ड ऑपरेटर रिक्वायर्ड है क्योंकि ये सेमी अनस्किल्ड से नहीं चलेगा. यहाँ पे मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक होती है और मशीन जो है अरेंज भी सीक्वेंस वाइज नहीं है, तो नीड ऑफ व्हाट अ हाईली स्किल्ड ऑपरेटर. लार्जर इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स टूल पार्ट्स. राइट, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटेल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट production and capacity for each work center. क्योंकि यहाँ पे customer order के according आप क्या कर रहे हैं, आप product design कर रहे हैं, तो product design customer के according है, तो planning भी predetermined होनी चाहिए. product में जो आपका capacity एक एक work center की उसको आपको तय करना है. capital investment इसमें ज्यादा होता है और per unit cost भी production का इसमें ज्यादा आता है. What is advantage of that? Advantage क्या है? Because of a general purpose machine and facilities, variety of products can be produced. इसको जो बनाया जाता है वो किसी भी general purpose machine से आप बना सकते हो, लेकिन operator skilled होना चाहिए, competent होना चाहिए, जिसको आपको opportunity ले सके वो learning और skilled quality wise कुछ अच्छा product बना सके या variety बना सके, कुछ innovative creative हो सके, तो ये इसके मेन फीचर्स हैं.
opportunity exists of a creative method of an innovative idea and full potential of the operators can be utilized. क्योंकि मशीन तो आप जनरल कोई सा भी लेके आप उस प्रोडक्ट को डिफरेंट मोड में प्रेजेंट कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे पर्सन स्किल्ड रिक्वायरमेंट ज्यादा है. राइट, व्हाट आर द लिमिटेशंस? हायर कॉस्ट बिकॉज ऑफ अ रेगुलर चेंज. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आप बार बार मशीन्स या अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, इसलिए हाईली कॉस्टली है. हायर इन्वेंट्री कॉस्ट ड्यू टू हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री. प्रोडक्शन प्लानिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज इट इज अ न्यू और अ वन लाइक प्रोडक्ट इज अ बेस्ड ऑन अ कस्टमर चॉइस. सो द प्रोडक्शन प्लानिंग इज अकॉर्डिंगली देमसेल्फ. राइट, सो इट इज अ डिफिकल्ट. लार्जर स्पेस रिक्वायरमेंट, जो स्पेस है इसमें ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट, फ्लोर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ कम टू अ बैच प्रोडक्शन. व्हाट इज बैच प्रोडक्शन? जो बैच प्रोडक्शन है ये भी इंटरमिटेंट का ही पार्ट है. इसमें जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है इसमें जो जॉब पासेस होती है थ्रू फंक्शनल डिपार्टमेंट इन अ लॉट और अ बैचेस. यहाँ पे बैचेस के फॉर्म में आपको मिलता है, कंटिन्यूस जैसा नहीं कि लार्ज वॉल्यूम, लेकिन ईच लॉट जो होता है उसमें ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं जो कि सिमिलर टाइप के होते हैं एंड ईच बैच में हैव अ डिफरेंट रूटीन. और जो एक एक बैच होता है उसका जो रूटीन होता है वो अलग अलग तरीके का होता है. इट इज कैटेगराइज बाई अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एट रेगुलर इंटरवल्स एंड स्टॉक अवेटिंग सेल्स. नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस? हाईली स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड. इन दिस केस हाईली स्पेशलाइज्ड मल्टीटास्किंग मशीन्स आर रिक्वायर्ड. मशीन्स आर शेयर्ड. Production in a batches, production lots are based on a customer demand, right? No signal, single sequence of operation, and finished goods are heterogeneous. The most important point or most important characteristics of the batch production. इसमें आपका जो product है that comes in a batch form, a group of items. इसलिए हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग होता है. मशीन जो इसमें रिक्वायर्ड होती है वो मल्टीटास्किंग होती है. जॉब और बैच में यही बेसिक डिफरेंस होता है कि जो जॉब में है वो जनरल मशीन होती है, इसमें मल्टीटास्किंग मशीन होता है. मशीन जो है वो शेयर्ड हो जानी चाहिए. प्रोडक्शन बैचेस में होता है, कस्टमर डिमांड के हिसाब से होता है, सिंगल सिक्वेंस नहीं चलता है, वेरियस मल्टीपल चार्ज होते हैं और रूटिंग डिफरेंट होती है. और जो फिनिश गुड होता है वो वैरायटी ऑफ या यू कैन से इट्स नॉट होमोजेनस, हेट्रोजेनस होता है. जो प्रोडक्ट बनता है वो हेट्रो बनता है. राइट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दैट? प्लांट एंड मशीनरी आर बेटर यूटिलाइज. जितना ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप मशीनरी का इसमें कर सकते हैं उतना इसमें कर सकते हैं. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, हर एक मशीनरी का फंक्शन अलग होता है तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फंक्शंस आल्सो. राइट, लोअर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन एज कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन. इसमें पर यूनिट कॉस्ट जो होता है प्रोडक्शन का वो कम होता है एज कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन. लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन से तब वहां पर यूनिट कॉस्ट रिलेटिवली और भी कम आता है. राइट, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. इसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम रिक्वायर्ड होता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसेस ड्यू टू रीजन ऑफ व्हाट? मल्टीटास्किंग ऑफ मशीन आर रिक्वायर्ड. यहाँ पे मशीन आप मल्टीटास्किंग ले रहे हो, बहुत स्पेशलाइज्ड मशीन होती है तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोसेस में वो भी डिफरेंट होती है. राइट, दीज आर व्हाट एडवांटेज. और इसीलिए जो बैच होता है कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग होता है लेकिन जो बनता है वो बैचेस में बनता है. फॉर एग्जाम्पल, एक तरीके के आपके शर्ट्स डिजाइन करना तो वो एक आपका लॉट बनता है, बैचेस एक बनता है, लेकिन उसमें क्या हो सकते हैं डिफरेंट नंबर हो सकते. ठीक है, अकॉर्डिंगली शर्ट साइज सेम डिजाइन के आपके 5 या 6 शर्ट बन सकते हैं लेकिन सेम डिजाइन के. राइट, द प्रोसेस आर सिमिलर, कलर एंड प्रिंटिंग मटेरियल इज अ डिफरेंट ओनली, अदरवाइज ऑल थिंग्स आर रिमेनिंग सेम. राइट, व्हाट आर द लिमिटेशन फॉर दैट? लिमिटेशन जो है इसकी, मटेरियल हैंडलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इररेगुलर लार्जर फ्लो ऑफ मटेरियल.
क्या चीज मटेरियल हैंडलिंग इसमें कॉम्प्लेक्सिटी शो करती है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि रेगुलर फ्लो नहीं हो रहा मटेरियल का, इरेगुलर फ्लो हो रहा। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो आप मटेरियल प्रोसेस के अकॉर्डिंग कहीं कुछ ले जाते हैं, कहीं प्रोडक्ट होता है, कहीं प्रोसेस होता है, कहीं सेलुलर भी हो सकता है, वो बैच के ऊपर डिपेंड करता है। तो मटेरियल का मूवमेंट ज्यादा होता है और इरेगुलर होता है, इसलिए मटेरियल हैंडलिंग इसमें ज्यादा हो जाता है, राइट। जो इसमें ह्यूमन रिसोर्स है वो भी इसमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, जिससे ये कॉस्टियर होगा। सुपरविजन ज्यादा रिक्वायर्ड है, कॉस्टियर पड़ेगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट लिमिटेशन इन दिस इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज डिफिकल्ट, बिकॉज इट इज वन ऑफ द लाइक कस्टमर बेस, कस्टमर चॉइस के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे चॉइसेस जो हैं, या आप कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो कस्टमर स्पेसिफिक है, तो प्लानिंग एंड कंट्रोल इज अ डिफिकल्ट। प्रोडक्शन प्लानिंग वहां पे डिफिकल्ट कम होती है, जहां पे आप प्री एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, मशीन लेआउट जो आपका है या जो प्लांट लेआउट है वो आपका अरेंजमेंट कैसा है, प्रोडक्ट या लीनियर है, उस कंडीशन में आपका प्रोडक्शन लेआउट जो है वो डिफिकल्ट कम होता है, या उस पर कंट्रोल करना कम डिफिकल्ट कम होता है। लेकिन जहां पे आप कस्टमर स्पेसिफिक हो, वहां पे आपको फीडबैक कस्टमर से लेना होता है, इसलिए या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर रहे हैं, दैट टाइम द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज डिफिकल्ट। सो दिस इज होल अबाउट योर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन करते हो कि कितने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, व्हाट आर द वे थ्रू विच यू कैन डिजाइन योर प्रोडक्ट, दैट डिपेंड ऑन कस्टमर चॉइस और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। अगर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है तो वो आपका कंटिन्यूस होएगा, क्योंकि वहां पे आप कस्टमर चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं हो, आपको इन्वेंटरी करके उन प्रोडक्ट को रखना है, और वो इसीलिए वॉल्यूम में ज्यादा होते हैं। और जहां तक बात करें हम इंटरमिटेंट प्रोडक्ट, मिटेंट प्रोडक्शन की, तो इंटरमिटेंट प्रोडक्ट वो होते हैं जो कस्टमर चॉइस पे बेस्ड होते हैं, इसीलिए वो जॉब या बैच प्रोडक्शन कहलाते हैं। जॉब इसलिए जब आप वन, जैसे फॉर आर्किटेक्ट, अगर आपने किसी एक कस्टमर चॉइस के अकॉर्डिंग एक रूम डिजाइन किया, एक बिल्डिंग डिजाइन की, तो वो पर्टिकुलर एक कस्टमर चॉइस था, इसलिए वो किसमें आएगा, जॉब प्रोडक्शन, राइट। और बैच प्रोडक्शन जहां पे सिंगल प्रोडक्शन की बात नहीं करते हैं, बैच में होता है, बट मशीनरीज आर स्पेशलाइज फॉर दैट प्रोडक्शन, राइट। दिस इज ऑल अबाउट योर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एंड आई होप that you enjoy to learn with this manufacturing system more and more. Thank you so much, student.